आज हम स्वतंत्रता सेनानी जयराम दास दौलतराम को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 21 जुलाई 1891 को कराची में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। 1915 में जयराम दास महात्मा गांधी के व्यक्तिगत संपर्क में आए और उनके अनुयायी बन गए। जयराम दास ने होम रूल आंदोलन में भी भाग लिया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और 1920 में असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वो नमक मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में एक प्रमुख कार्यकर्ता भी थे। जयराम दास 1947 में विभाजन के दौरान भारत में रहे और उन्हें बिहार का पहला भारतीय राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने भारत की संविधान सभा में पंजाब के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1950 से 1956 तक जयराम दास ने असम के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 1 मार्च 1979 को अंतिम सांस ली।